नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। पिछला वीडियो हमने बनाया था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, जिसे आपने देखा। आइए अब चलते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में कैसे इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। देखते हैं इसका क्या पहचान है। पहचान, जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे शब्द आवे, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इसका पहचान, कैसे पहचानते हैं। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे शब्द आवे, तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब देखते हैं इसका फार्मूला, जिस फार्मूले से हम इसका ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करेंगे इस तरह के वाक्यों का। तो सभी कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य का ट्रांसलेशन अनुवाद करेंगे पहले रूल के हिसाब से। आइए अब देखते हैं उदाहरण सहित। इसमें फर्स्ट रूल में जो बताया गया है, सभी कर्ता मतलब एक वचन बहुवचन दोनों के साथ हैड लगेगा, ठीक। चाहे एक वचन रहेगा हमारा या बहुवचन, यानी सिमिलर नंबर और प्लूरल नंबर दोनों के साथ हैड लगेगा, और क्रिया का जो है तीसरा रूप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगा। तो सिर्फ यही इतना आपको याद रखना है, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। अब देख लेते हैं उदाहरण सहित समझते हैं। वह स्कूल जा चुका था, क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। देखिए जाना क्या है, क्रिया है जिसका स्पेलिंग क्या होता है, गो, और गो का तीनों रूप क्या होता है, पहला होता है गो, दूसरा वेंट, तीसरा गॉन। तो क्या हो जाएगा थर्ड फॉर्म गॉन, ट्रांसलेशन हमारा क्या हो जाएगा, ही हैड गॉन टू स्कूल। आगे देखते हैं, श्याम गीत गा चुका था, क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन, श्याम हैड संग द सॉन्ग। यहाँ पे गाना क्या है, एक क्रिया है, गीत गाना एक क्रिया है, तो जिसका स्पेलिंग क्या होता है, सिंग, सिंग मीन्स गाना, थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाता है, संग। इसका तीनों रूप होता है, पहला होता है सिंग, दूसरा होता है सैंग, दूसरा और तीसरा क्या, संग, सिंग सैंग संग, तो यहाँ पे संग लगा हुआ है। एक उदाहरण और देखिए, मैं पत्र लिख चुका था, आई हैड रिटन द लेटर। देखिए यहाँ पे पत्र लिखना क्रिया हो गया, लिखना लिखना क्रिया है, यहाँ पे पत्र तो हमारा ऑब्जेक्ट है यानी कर्म है। तो राइट मीन्स लिखना होता है, तीनों रूप क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा राइट, दूसरा राइट, पहला राइट, दूसरा रोट, और तीसरा रिटेन, राइट रोट रिटेन, तो थर्ड फॉर्म रिटेन यहाँ पे लगाया गया है, आई हैड रिटेन द लेटर। आगे देखते हैं, ये तो रहा सकारात्मक वाक्य। अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य के लिए क्या होता है फार्मूला, देखते हैं कैसे पहचाना जाएगा नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में कैसे वाक्य, इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के बीच में नहीं आता है, नकारात्मक वाक्यों में वाक्य के बीच में नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, देखिए इसमें ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए हैड के बाद नॉट लगा देते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है, ठीक। फार्मूला फर्स्ट फार्मूला आपको बताया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बताया जा रहा है ऐसे वाक्यों में नहीं के लिए
हैड के बाद नाट लगा देते हैं, शेष भाग पूर्ववत रहता है। देखिए यहाँ भी हम फार्मूला लिखे हैं, कैसे होगा, सभी कर्ता प्लस हैड प्लस नाट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए, ऑल सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नाट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सेट्रा। उदाहरण से देखते हैं, समझते हैं इसे कैसे बनेगा इसका ट्रांसलेशन। वह स्कूल नहीं जा चुका था तो क्या हो जाएगा, देखिए वाक्य के बीच में नहीं आ गया तो फार्मूले के हिसाब से हम क्या करेंगे, हैड के बाद नाट लगा देंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, ही हैड नाट गॉन टू स्कूल। तो इस तरह से इसका अनुवाद हम करेंगे। आगे देखिए, श्याम गीत नहीं गा चुका था, क्या हो जाएगा, श्याम हैड नाट संग द सॉन्ग। ऐसे और देखते हैं, मैं पत्र नहीं लिख चुका था, आई हैड नाट रिटन द लेटर। तो हमने देखा कि नकारात्मक वाक्य निगेटिव सेंटेंस में हैड के बाद नाट लगा देते हैं, शेष हमारा वाक्य पूर्ववत रहता है, पहले के जैसा ही रहता है। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य किसे कहते हैं, इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के पहले क्या आ जाता है। देखिए, यदि वाक्य के पहले क्या आवे तो हेड को सबसे पहले लिखते हैं, अर्थात हेड को बाहर निकाल देते हैं, यानी बाहर निकाल लेते हैं, शेष वाक्य हमारा पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। जब वाक्य के पहले क्या आ जाए तो हमारा वो क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाता है। तो आइए देखते हैं इसका फार्मूला क्या होगा, हैड प्लस सभी कर्ता प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य क्वेश्चन मार्क। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए, हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। आइए देखते हैं, उदाहरण सहित समझते हैं। देखिए, क्या वह स्कूल जा चुका था, देखिए वाक्य के पहले क्या आ गया तो ये हमारा क्या हो गया, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। तो हम क्या करेंगे, हैड को बाहर निकाल देंगे रूल के हिसाब से, तो क्या हो जाएगा, हैड ही गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। अगला उदाहरण देखिए, क्या श्याम गीत गा चुका था, हैड श्याम संग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। क्या मैं पत्र लिख चुका था, हैड आई रिटन द लेटर। अब आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में यदि वाक्य के पहले क्या आवे तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं और वाक्य के बीच में नहीं आवे तो कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, ऐसे वाक्यों में यदि वाक्य के पहले क्या आवे तो हैड को सबसे पहले लिखते हैं और वाक्य के बीच में नहीं आवे तो कर्ता के बाद नाट लगा देते हैं, शेष वाक्य पूर्ववत रहता है। इंट्रोगेटिव निगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य में होता ही है ऐसा कि उसमें वाक्य के पहले क्या रहता है और वाक्य के बीच में नहीं रहता है। तो इसके लिए देखिए अब फार्मूला देखते हैं, क्या हो जाएगा, हैड प्लस सभी कर्ता प्लस नाट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस अन्य क्वेश्चन मार्क। सेम यही चीज़ इंग्लिश में देखिए, हैड प्लस ऑल सब्जेक्ट प्लस नाट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन मार्क। अब उदाहरण सहित हम देखते हैं, समझते हैं इसे। क्या वह स्कूल नहीं जा चुका था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही नाट गॉन टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। क्या श्याम गीत नहीं गा चुका था, हैड श्याम नाट संग द सॉन्ग क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण और देखते हैं, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुका था, हैड आई नॉट रिटेन द लेटर क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, एक नोट है, नोट में क्या बताया जा रहा है,
कभी कभी यह टेंस दो वाक्यों में पूरा होता है, एक पहले होता है और एक बाद में। तो देखिए, प्रथम कार्य समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट परफेक्ट टेंस में तथा बाद में समाप्त होने वाले वाक्य को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। और इस प्रकार से बने वाक्य का जो निर्माण होता है, उस वाक्य को हम कैसे जोड़ते हैं? बिफोर से जोड़ते हैं। मतलब इसमें बताया जा रहा है कि कभी कभी यह टेंस जो है दो वाक्यों में पूरा होता है, मतलब एक ही वाक्य में दो, एक सेंटेंस में दो वाक्य होते हैं। यानी तो प्रथम कार्य जो समाप्त होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन यानी अनुवाद करते हैं, और दूसरा कार्य जो समाप्त होता है, देखिए प्रथम कार्य का मतलब जो पहले समाप्त हो तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेशन करेंगे, और जो बाद में समाप्त होगा उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में हमने बताया, उसके रूल्स के बारे में इसे आपने देखा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पहले वीडियो हमने बनाया है। अगर कोई भी चीज़ भूले हो आप तो उसे आप फिर से देख लीजिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। तो इस तरीके से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्य को कैसे जोड़ते हैं? बिफोर से जोड़ते हैं। इस प्रकार से बने वाक्य को बिफोर से जोड़ते हैं। देखिए, पास्ट परफेक्ट प्लस पास्ट इंडेफिनिट। उदाहरण सहित समझते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। जैसा कि हमने नोट में बताया, देखिए कि कभी कभी टेंस दो वाक्यों में पूरा होता है। देखिए, एक ही वाक्य है लेकिन यहाँ पे दो बातें बताया जा रहा है कि एक स्कूल का पहुंचना और एक घंटी का बजना। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, इसमें दो वाक्य है। तो और एक चीज देखिए, क्या कहा जा रहा है? मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो पहला, इसमें पहले कौन सा काम हो रहा है? घंटी पहले बज रही है और बाद में मेरा पहुंचना हो रहा है। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो क्या हो जाएगा? द बेल हैड रंग। द बेल हैड रंग पास्ट परफेक्ट टेंस में हो गया। बिफोर से हमने जोड़ दिया। आई रीच्ड द स्कूल। आई रीच्ड स्कूल पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। एक बार फिर से देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। और दूसरा उदाहरण देखिए, इसी में का निगेटिव। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी। क्या हो जाएगा? द बेल हैड नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इंट्रोगेटिव देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी? हैड द बेल रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य इसका। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बज चुकी थी? हैड द बेल नॉट रंग बिफोर आई रीच्ड स्कूल क्वेश्चन मार्क। एक उदाहरण और देखिए, विद्यालय बंद होने से पहले वह जा चुका था। देखिए, एक प्रकार ये भी टेंशन टेंस सॉरी ये भी एक वाक्य है, लेकिन इसमें भी दो कार्य का होना पाया जा रहा है। विद्यालय बंद होने से पहले वह जा चुका था। तो पहला कार्य क्या हो रहा है? वह जा चुका था, उसके बाद विद्यालय बंद हुआ। विद्यालय बंद होने से पहले वह जा चुका था। तो क्या हो जाएगा ट्रांसलेशन? ही हैड गॉन बिफोर क्लोज्ड द स्कूल। और इसका नेगेटिव देखिए, नकारात्मक वाक्य। विद्यालय बंद होने से पहले वह नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन बिफोर क्लोज्ड द स्कूल। इंट्रोगेटिव देखिए, क्या विद्यालय बंद होने से पहले वह जा चुका था? हैड ही गॉन बिफोर क्लोज्ड द स्कूल क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव निगेटिव, क्या विद्यालय बंद होने से पहले वह नहीं जा चुका था? हैड ही नॉट गॉन बिफोर क्लोज्ड द स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम पास्ट परफेक्ट टेंस का अनुवाद करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।